अस्सलामुअलैकुम हैदराबाद, हैदराबादी फ़ोटोग्राफ़र व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। आज हम जाएंगे फजल सन सिटी, वहाँ सालगिरह का इवेंट है और देखें क्या होता है उधर। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम नहीं, मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, जी तो हम हो गए तैयार और अब देखें। राइट, हमारी पसंद था भाई, दो तीन घंटे से गई है, सामान भी चार्ज नहीं कर सके सही से, जनरेटर भी नहीं चल रहा क्योंकि गैस का प्रेशर कम हो गया इसकी वजह से। क्या खा रहे हो तुम, क्या है ये? ये देखिए, ये खाली रैपर से खेल रहे हैं पेप्सी के। तो अभी निकलेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे तो दिखाएंगे आपको। ओके, हमारी तो गई हुई है लाइट, कोई तीन घंटे से, तकरीबन ढाई तीन घंटे से। और अब निकलने का टाइम आ चुका है हमारे इवेंट की तरफ। और आज हम जा रहे हैं फजल सन सिटी। किसी ने मुझसे कहा था कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो अपने व्लॉग में थोड़ा सा गुनगुना दिया करें, तो गुनगुना रहा हूँ, सुन लें। कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा, रहे न फासले ये जो है अपने दरमियां। इतना ही गुनगुना सकता हूं क्योंकि इससे ज्यादा अगर गाया तो फिर कॉपीराइट लग जाएगा। चलिए जी, निकलते हैं, फिर वहां पहुंच के आपसे बात करते हैं, दिखाते हैं आपको। दांतों की लेबोरेटरी और ये मालिक बैठे हैं, ये मालिक के बेटे बैठे हैं और ये हमारा, इसको तो आप जानते ही ना, मशहूर ज़माना साहिल, उसका छोटा भाई। हाँ, तो यहाँ आने की वजह ये है कि हमारी तो लाइट नहीं आ रही और जनरेटर भी नहीं चल रहा था गैस कम होने की वजह से, और यहाँ जनरेटर चल रहा है तो इसलिए मैंने अपने कैमरे की जो फ्लैश की बैटरी है वो इधर चार्ज पर लगवाई। ये देखें जी, अभी भी चार्ज नहीं हुई है। तो बस ये उठा के फिर निकलेंगे इवेंट की तरफ। ये हैं हमारे उमेर भाई और ये हैं इनके भतीजे, ठीक है। अच्छा, ये देखें क्या काम कर रहे हैं, ये देखें ज़रा क्या काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त पूरी बत्ती सी बना रहे हैं ये। क्या कहते हैं उमेर भाई इसको? डेंचर कहते हैं। इसको कहते हैं डेंचर। और ये बिल्कुल प्योरली इनके हाथों का काम है, कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं, ये हाथों से तैयार किए जाते हैं। तो कभी दांतों के हवाले से कोई काम हो तो ये हमारे उमेर भाई से रابطہ करें। ये देखें, ये मॉडल जिसको हम कहते हैं इंप्रेशन लेते हैं, नाप लेते हैं मुंह का जो होता है, ठीक है। अब जो भी पेशेंट है उसकी जो है ये दोनों जो दाढ़े हैं वो ख़राब है, तो ये कटिंग वगैरह होने के बाद अब इसके ऊपर ये बनाया, ठीक है। ये इसके कैप बना के ऊपर बिल्कुल दांत वाली शेप देकर, दाढ़ वाली, और ये इस तरीके से फिक्स कर दिए जाते हैं और फिर हमेशा पेशेंट के मुंह में ये लगे रहते हैं। बड़ा टिपिकल काम है लेकिन बड़े अच्छे से जो है सर अंजाम दिया जा रहा है। और फिक्स क्राउन के हवाले से भी कभी आपको जरूरत हो, कभी काम पड़े तो हमारे ज़ुबैर भाई, ज़ुबैर भाई आपसे एक आध सवाल करना है, अगर कोई आपसे रابطہ करे हमारे रेफरेंस से तो आप उनको क्या बेनिफिट देंगे दांतों के हवाले से? बेनिफिट ये देंगे कि हम डॉक्टर से जो उनसे कॉपरेट करवा, क्योंकि हमारा जो है वो सर्जरी का काम नहीं है। अच्छा अच्छा, सर्जरी बनाना।
अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर जो हमें इम्प्रेशन देता है जो भी, जी जी, उस पर हम सारा वर्क उस पर करते हैं। सही सही सही, तो हमारा आज के हम यही फेवर करते हैं पेशेंट की कि डॉक्टर्स को कह देते तो डॉक्टर भी ख्याल रखते। सही, तो आप हर चीज़ से। चले जी, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया। हमारी लाइट नहीं आ रही जिसकी वजह से मैंने बैटरी यहाँ चार्ज पे लगवाई थी इनके पास, और अब मुझे निकलना है अपने इवेंट में। काफ़ी देर हो चुकी है, 8 बज गए तकरीबन, तो इवेंट में पहुँच के इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, साथ रहिएगा।